नमस्ते दोस्तों, आज हम श्री करमचंद आलूवालिया शिव मंदिर ट्रस्ट साकेत में आए हैं और हम पंडित जी से मिलेंगे और कुछ सवाल करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भुवनेश्वर खंडूरी है जी। तो आज आपसे कुछ सवाल हैं जो मैं करना चाहती हूँ नवरात्रों से रिलेटेड। नवरात्र व्रत समापन विधि। जो ये दुर्गा अष्टमी का व्रत की समापन की विधि मैं बता रहा हूँ, ये सामान्य जनों की बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल साधारण तरीके से व्रत रखा है, न कि उनके लिए बता रहा हूँ जो पूरे नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। मैं सिर्फ सामान्य जनों को बिल्कुल साधारण विधि में समझा रहा हूँ कि जिन्होंने सामान्य दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा है वो जो है सुबह पहले माता रानी का ध्यान करके वहाँ पर बैठ करके माता रानी का चना हलवा और पूरी का प्रसाद बना के 9 उसमें रखें, थाली में लगा के रखें, फिर उसके बीच में एक माता रानी की ज्योत प्रज्वलित करें, फिर 9 कन्याओं को बुला करके लाएं, फिर वहाँ पर उन कन्याओं का पूजन करें, फिर उसके बाद उनको प्रसाद करें, उनके पैर धोएं, फिर उनके टीका लगाएं, उनको माता रानी से प्रार्थना करें कि जिससे मेरे परिवार में सुख समृद्धि रहे, उनको प्रसाद ग्रहण कराएं, फिर उनका मुँह प्रच्छालन करें, उनका मुँह धोएं, फिर माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें, उसके बाद आरती करें। यही दुर्गाष्टमी की समापन की सबसे साधारण विधि। कलश कैसे उठाएं? कलश उठाने का सबसे आसान तरीका है कि जब हमने पूरी वो समापन कर दी है, आरती क्षमा प्रार्थना कर दी है, उसके बाद सबसे पहले हम कलश को ऊपर हमने जो बोए हैं। कलश उठाने का नियम अष्टमी के दिन नहीं है, उसका उठाने का नियम दशहरे के दिन है, दसवीं दिन। उसको सबसे पहले जो हमने जौ बोए हैं उसको उठा करके सबसे उसमें कुछ तोड़ करके माता रानी को अर्पित करें, फिर जो कलश रखा है उसको उठा करके उसके छींटे जो सामने बैठे हैं परिवार के लोग सारे लोगों के ऊपर उसके छींटे डालें, उसके बाद पूरे घर में उसका सिंचन करें, फिर जो कलश उसमें रखा है घर की जो मेन कोई सुहागिन औरत है जो घर की मुखिया है उसके पल्लू में उस कलश को उस नारियल को दें जो सुख समृद्धि के लिए है। उस नारियल को तोड़ना नहीं चाहिए, वह हमेशा घर में रखा जाता है घर में सुख समृद्धि के लिए। कैसे करें कन्या पूजन? माता रानी का पूजन का समय अपराह्न काल बता गया है। अपराह्न काल का मतलब है 12 बजे के बाद, कि 12 बजे के टाइम पे आप घर में 9 कन्याएं को बुलाकर उन कन्याओं के सबसे पहले पैर धोए, फिर उन पर टीका लगाएं, उनका हाथ में मौली बांधें, फिर उनको प्रसाद ग्रहण कराएं, फिर उनको जो आपने देना है उसके बाद उनको दक्षिणा दें, फिर उनको माता रानी के श्री सूक्त का वैसे नियम होता है, श्री सूक्त के पाठ से उनका पूजन किया जाता है, लेकिन सामान्य जन माता रानी का ध्यान करके ही उनका पूजन करें, फिर उनको उनसे माता रानी के मंत्र का उच्चारण करते हुए उनके उनका पैर छू करके उनको विदा करें। नवमी कन्या पूजन विधि। नवमी पूजन का ऐसा है कि माता रानी के 9 रूप हैं। जो लोग माता रानी को शांत रूप में मानते हैं वो लोग नवमी के दिन कन्या का पूजन करते हैं, और जो महाकाली के रूप में माता रानी का पूजन करते हैं वो अष्टमी को पूजन करते हैं, क्योंकि माता रानी के वो 8 रूपों की पूजा करते हैं, और जो 9 रूपों की पूजा करते हैं, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी, चौथी कुष्मांडा, पंचमम स्कंद माता, षष्ठ कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, अष्टम ब्रह्मचारिणी और नौवां जो है ये नवदुर्गा है। जो नवदुर्गा को शांत रूप में पूजा करते हैं उनके लिए नवमी पूजन का विधान है, वो नवमी दिन ही कन्या का पूजन करते हैं। तो ये थी दुर्गा अष्टमी के व्रत समापन की विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो tentaran.com के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।